पहले KGF 2 का टीजर आया, ऐसा बवाल काटा कि बाहुबली 2 के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। सिर्फ 24 घंटे में 72 मिलियन व्यूज। इस खबर के लिखे जाने तक करीब 25 करोड़ लोग इसे देख चुके हैं। 27 मार्च को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। इसके हिंदी वर्जन को अब तक करीब 8 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। 14 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है। इसके हाइप को देखते हुए लग रहा है 13 अप्रैल को थिएटर्स को हिट करने वाली बीस्ट से इसकी कड़ी टक्कर होने वाली है, तो मज़ा तो आएगा गुरु। खैर, पटरी पर लौटते हैं और जानते हैं मेकर्स ने फिल्म पर कितने रुपए खर्च किए। KGF प्राथमिक तौर पर एक कन्नड़ फिल्म है। इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। इसके चैप्टर 1 ने जबरदस्त कमाई की थी। कन्नड़ में तो बेहतरीन कमाई की ही, अन्य भाषाओं में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 80 करोड़ में बनी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 करोड़ रहा। हिंदी ऑडियंस के बीच बाहुबली के बाद किसी फिल्म ने सेंध लगाई तो KGF नहीं। इसी को कैश करने के लिए मेकर्स ने इस बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम संजय दत्त और रवीना टंडन को फिल्म में अहम रोल दिए हैं। इस बार प्रोड्यूसर्स ने खर्चा भी पहले चैप्टर से ज़्यादा किया है। KGF 2 का बजट 100 करोड़ है। बजट बढ़ा है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ने का भी पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु और हिंदी में ये फिल्म फोड़ने वाली है। खबरों की माने तो KGF चैप्टर 1 के लिए यश ने 15 करोड़ रुपए लिए थे। मेकर्स ने खुशी खुशी दिए भी। चैप्टर 2 के लिए यश की फीस को लेकर दो तरह की बातों से बाजार गर्म है। एक ये कि यश ने अपनी फीस डबल कर दी, दूसरी ये कि मेकर्स ने खुश होकर उनकी फीस डबल कर दी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें KGF 2 के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। आजकल ये अरेंजमेंट खूब चलन में है कि बड़े स्टार्स तयशुदा फीस लेने की जगह प्रॉफिट में परसेंटेज लेते हैं। हो सकता है KGF चैप्टर 2 जैसी श्योर शॉट हिट फिल्म के लिए यश ने ये सिस्टम अपनाया हो। ऐसा हुआ तो उन्हें मिलने वाली रकम 30 करोड़ से कहीं ज़्यादा हो सकती है। अन्य स्टार्स की फीस के बारे में भी आंकड़े आए हैं। खबर है कि संजू बाबा ने इसके लिए 9 करोड़ और रवीना टंडन ने 1.5 करोड़ चार्ज किए। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत ने 15 करोड़ और श्रीनिधि ने 3 करोड़ रुपए लिए हैं। प्रकाश राज ने इस फिल्म के लिए 80 लाख और मालविका अविनाश को 60 से 65 लाख रुपए मिले हैं। माने प्रोड्यूसर ने इस फिल्म पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब देखते हैं जनता फिल्म पर कितने रुपए खर्चती है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूँ मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।